नीति आप मुक्ति और शक्ति को क्यों नहीं लेके आए? कीर्ति तो यहाँ बैठी हुई, मुक्ति शक्ति वेयर इज मुक्ति शक्ति? यार आपको क्या लगता है वो ऐसे ही आ जाएंगे? मतलब उनके लिए कुछ स्पेशल होना चाहिए, वो माहौल बनाइए। छत तोड़ दें, हेलीकॉप्टर मंगवाए कैसे आएंगी? अरे छत मत तोड़ो, आई थिंक थोड़ी लाइट्स डिम कर दो, थोड़े डांसर्स आ जाएं साइड में, थोड़े पोज वोज में खड़े हो जाएं। अभी लो। सो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में मोहन परिवार से बाकी के टैलेंट को यहाँ बुलाना चाहता हूँ। प्लीज वेलकम एक्टर एंड डांसर, वेरी टैलेंटेड, वेरी ब्यूटीफुल, मुक्ति एंड शक्ति। आइए नीति। जीती रहो, खुश रहो, जो तुम्हारा दिल करता करो। कमाल कर दिया, छा गई बगैर बादलों के। एक बार मुक्ति और शक्ति के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो मुक्ति। हेलो पार्टनर, कैसे हो? मैं और मुक्ति सोनी टीवी पे हम लोग कॉमेडी सर्कस कर चुके एक साल, एंड वी वर द विनर। राग बजता है हर एक रंग बजता है। वाह। राग बजता है हर एक रंग बजता है, जा जाती है मस्ती, मन का मृदंग बजता है। वाह। और आप जब नाचती हैं मोहतरमा, ऐसा लगता है कि दिल में रूप का जल तरंग बजता है। पटाक। थैंक यू, थैंक यू। सिद्धू बाजी, इस देश में बहुत ही चंद लोग हैं जिनको ऐसे अभिनंदन से इतना प्यार मिलता है, और आप ही हैं जिन्होंने इस परिवार को इतने अच्छे से स्वागत दिया है। सो जोरदार ताली आपके लिए। अरे वाह। पाजी, अभी जैसे तीन चार भाई बहन हो तो किसी एक की दुकान अच्छी चल निकले ना, हाँ, तो बाकी भी उसी दुकान में बैठ जाते हैं। तो पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब नीति की सिंगिंग इतनी अच्छी चल गई, तो शक्ति आपने और मुक्ति आपने, आपने दोनों ने अलग अलग करियर क्यों चुने? ये कभी लोग कहते थे कि अभी अभी तू तो फेमस हो गई है, तू गाने गाने लग गई, इनको पीछे लगा ले तो तू आगे रहना, और ये तेरे पीछे यूं 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 करते रहेंगे। ऐसे लोग बोलते थे, तुम्हारी तो निकल पड़ी, तुम्हें इतने शोज मिलेंगे, तुम बहुत वो हो जाओगे, इंडियन स्पाइस गर्ल्स बन जाओगे। तो मैं तो लगता था कि मेरी बहन मेरे पीछे नहीं, मेरे आगे खड़ी होंगी। हम आगे नहीं, हम साथ खड़े होंगे बहन। एक्चुअली ये बात मैं बताना चाहती हूँ, जब दीदी आ गई थी, फेमस हो गई थी ना, तो हम लोग बहुत कॉलेज में ना शो ऑफ करते थे, मर दीदी को देखा, मर दीदी टीवी में आती है, सबको बताते थे। फिर हमने बोला दीदी हम ऐसे कर लेते ना, हम आपके पीछे डांस कर लेंगे, और फिर दीदी ने मना कर दिया। हमें लगा यार दीदी एकदम स्टार बन गई, हमको ना अपने साथ काम नहीं देनी। कह रही कि नहीं, तुम इतने अच्छे हो कि तुम एक दिन अपने आप को प्रूव करोगे और आगे जाके खड़े होगे। तो ये दीदी का विश्वास था, जहाँ हम लोगों ने अपना पैशन परस्यू किया। एंड ऐसी दीदी किसी को मिल जाए तो भाई वाह। ओहो क्या बात। मेरा एक चीज करने का मन कर रहा है। क्या? हाँ? मतलब एकदम कपिल की शादी हुई है, थोड़ी सी बधाइयों वाला डांस ऐसा रिंगा रिंगा। अंकल आंटी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी चारों बेटियां इतनी लायक निकली हैं, चार के चार बच्चे, चारों इतने लायक। नहीं तो पिछले जमाने में, अब तो खैर दो बच्चे तीन जाए हो जाते हैं, पहले तो 10-12 होते थे, एक दो ही अच्छे निकलते थे। है ना? पर अब जमाना देखो कितना बदल गया है, और आपको देख के इतना गर्व फील होता है। एक सवाल मेरा अंकल आपसे है, जैसे बच्चों की अच्छी सेहत के लिए माँ बाप जन्म घुट्टी पिलाते हैं, तो ऐसे टैलेंटेड बच्चों के लिए क्या पिलाना पड़ता है? व्हाट काइंड ऑफ सिरप? सिरप सबसे बड़ा जो सिरप है जी, जो माता पिता अपने बच्चों को दे सकता है जी, वो है संस्कार। वाह। आप उनको धन दो, दौलत दो, खिलौने दो, हथियार दो, कुछ भी चाहे दो, वो कम हो सकता है, मिट सकता है, नष्ट हो सकता है, लेकिन जो संस्कार यदि आप दोगे तो उस बच्चे के हर दुख में या सुख में वो संस्कार काम आएगा। आइए मैं बैठते हैं, सोफे बैठो, बातें बातें करते हैं। आज नया सोफा देखो, क्या बात है, क्या बात है, वाह यार, न्यू सोफा। मैं सोफे बैठ जाऊं, पार्टनर है, सेम कलर।
नीति तो मुझे इतनी वैसी प्यारी लगती ना, मैं क्योंकि इसके गाने का जब ये गाती ना, हम लोग एक दो बार बहुत ऋचा दीदी अपनी ऋचा शर्मा सिंगर उनके घर पे मिले हैं, तो ये मुझे बड़ा डिवाइन सा फेस लगता है कि ये ना भगवान के बच्चे नहीं होते जो जिनके पीछे चक्कर नहीं ऐसे घूमता, तो मुझे नीति वैसी लगती है। मुक्ति 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 तो मैं इसको मुक्ति बोलता हूँ, मैं हमेशा इसको प्यार से मुक्ति बोलता हूँ, पर शक्ति से मेरी बहुत कम मुलाकात हुई, जितनी भी हुई ये बोलती बहुत कम थी, पर मैंने मुझे लगा मैंने इनसे पूछा कि ये कम बोलती हैं, बोलती नहीं बहुत बोलती हैं, जब बोलने के पैसे मिलने लगे तो फिर आदमी फ्री में क्यों बोले। तो अभी ये माशाल्लाह अपने अपने फील्ड में बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। अच्छा ये मैंने जैसे अभी पहले भी सवाल आपसे पूछा कि नीति बहुत अच्छा गाती हैं, मुक्ति जो है बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है और डांस भी बड़ा अच्छा करती है, शक्ति जो है बहुत अच्छी डांसर है, ये मतलब एक दूसरे की फील्ड में आपने सोचा हुआ कि मैं दीदी का गाना नहीं गाऊंगी, दीदी मेरे साथ डांस नहीं करेंगी, ये या फैमिली की स्ट्रेटजी है कि बेटा अलग अलग फील्ड में अलग अलग चैनल से जाके पैसा कमाओ? ऐसी पूरी स्ट्रेटजी बनाई थी हमने पहले ना, पहले सब सोचा बचपन में उसी तरह पेपर पे। हाँ। हमने क्या कैसे लूडो खेला बैठ के ना, और जिसका जो नंबर आएगा वो वही करेगा, तो मेरे पे सिंगिंग का आया और शक्ति पे आया डांसिंग का, बस फॉलो करना था, मेरी दोनों गिटी अंदर गई, तो एक्टिंग डांसिंग होम। मुझकी एक बात बता, अगर तुझे बोले कल को तेरा होने वाला पति जो भी मिलेगा अच्छा ही मिलेगा बहुत अच्छा, तो तुझे बोल दे कि मेरे लिए तू डांस छोड़ दे, मेरे लिए तू आइसक्रीम खानी छोड़ दे, जो भी तुम्हें अच्छी लगती चीजें छोड़ दोगी? बोलूंगी मर जा। मैं कि छोड़ो, तू छोड़। बहुत प्यार से मर जा, बहुत ही प्यार से। मैं यहाँ पे बैठे जितने भी तमाम हमारे दर्शक है मेहमान है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप प्यार में जब अंधे हो जाते हैं तो आप अपने अपने पार्टनर के लिए क्या क्या छोड़ सकते हैं? ओए भाई साहब ना, हाथ खड़ा हुआ पहले तो। ओए क्या हाल है सर? बढ़िया है, ठीक ठाक है। तो ठीक है बैठो फिर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जहीरुद्दीन नूर निजामुद्दीन जमाल कुरैशी। अरे 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 क्या बोल रहे हो, नाम बोल दिए? नहीं नहीं नहीं, नाम नाम एड्रेस नहीं, नाम। ये छोटा ही नाम है। कहाँ से आए पहले तो ये बताइए सर? मैं सर इंदौर से आऊँ। आपके तो नाम की भी उतनी टिकट लगी होगी जितनी आपकी। तो कुरैशी साहब जी, आपकी शादी हो गई है? अभी तक तो नहीं हुई। लड़की बताएगी भी क्या कि मैं जमालुद्दीन अहमदुद्दीन कुरैशी से प्यार करती हूँ? सर मेरा ये मानना है कि प्यार बड़ा ही खूबसूरत एहसास है। अगर आपसे कोई अपना छोड़ने के लिए मांगता है, घर छोड़ने के लिए, नौकरी छोड़ने के लिए, ट्विटर छोड़ने के लिए, फेसबुक छोड़ने के लिए, तो ये बहुत छोटी चीजें हैं। क्या बात कर रहा है, कपिल से पूछ, बहुत बड़ी चीजें हैं। क्या बात है? अरे क्या बात। तो पूछ, छोड़ सकता है वो? मेरा ये कहना है कि आप जिसे जान से ज्यादा प्यार करते हैं तो उसके लिए तो जान ही दी जा सकती है, जान ही छोड़ी जा सकती है। मतलब मैं तो इस चीज में नहीं बिलीव करता, अगर आप किसी को प्यार करते हो उसके लिए जान ही छोड़ दो, फिर ना उसको कुछ मिला ना आपको, पर मिला क्या ढुल्लू? अपना बीच का रास्ता निकालना चाहिए ना। सर मेरे साथ हमेशा ट्रेजडी हुई है। अच्छा जी, पहले मेरी लाइफ में समीना आई। नाम मत लो भाई। फिर सारे दोस्तों में सबसे पहले मुझे प्यार हुआ। अच्छा जी, और सबसे पहले मेरी शादी होने वाली थी। अच्छा जी, लेकिन जो फिल्मों में ड्रामा होता है वो मेरी लाइफ में हो गया। क्या हुआ मेरे को बताओ, मेरे को बड़ा मजा आता है। शादी दूसरे के साथ हो गई। और दूसरी बार सलमा आई। अच्छा, लेकिन जी फिर ट्रेजडी हो गई। अच्छा जी, फिर शादी दूसरे के साथ हो गई। वो दूसरा कौन होता है? यानी यहाँ तक नहीं रुकी, फिर तीसरी आई। फिर तीसरी आई। उनका क्या नाम था? उनका नाम था सुरैया। अभी जो चौथी है वो भी एस से ही आती है। चौथी अभी है ना? हाँ चौथी है। तो उसने जो अभी तीन नाम सुने ना वो भी जाएगी अब देखना। पर बड़े मजेदार इंसान हो। इंदौर में क्या करते हो सर आप? सर मेरा तो ये सिद्धांत है कि ऊपर वाला दे खाने को तो कौन जाए कमाने को। क्या बात है।
अभी मुझे पता चल गया तीनों क्यों गई. ऊपर वाला थे खाने को, कौन जाए कमाने को. आते आते बैठे बैठे आए बदबू, दिल नहीं करता नहाने को. ऐसा नहीं होता भाई साहब. ऊपर वाला तो यार काम तो करना ही पड़ेगा ना. पर कुरैशी साहब आप इंसान बड़े मजेदार हैं. सर मैं इन दर्शकों की तरफ से और पूरे हिंदुस्तान की तरफ से आपसे कुछ कहना चाहता हूँ. हिंदुस्तान की तरफ से क्यों, आप प्रधानमंत्री हैं. जी कुरैशी साहब प्लीज प्लीज. कपिल सर. हाँ जी. जब आप हमको छोड़ के गए थे तो ये हमारा दिल ही जानता है कि हमने वो दिन कैसे गुजारे. वाह सो स्वीट. बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार के लिए. बस यही इंतजार रहता था कि आप कब आएंगे और कब से ये शामें रंगीन होगी. सो स्वीट. थैंक यू थैंक यू. अरे आप खड़े हो. मैं आपकी सलमा थोड़ी ना वापिस रहा हूँ. आपकी मोहब्बत है ये. शुक्रिया आपका वापस आने के लिए और सारे दिलों पे छाने के लिए. शुक्रिया शुक्रिया सर. अब आपसे केवल यही गुजारिश है जी कि आप कभी हमें छोड़ के नहीं जाइएगा. नहीं जाता सर, अब तो जिम्मेदारियां बड़ी हैं. पूरे हिंदुस्तान के दिलों पर राज करते हैं आप. लव यू सर लव यू. मैं बदले में यही कर सकता हूँ, जो तीन गई हैं तो वो हो सके तो थोड़ी थोड़ी वापिस आ जाओ. अच्छा वो तो शादी होगी. सॉरी सॉरी उनकी शादियाँ हो गई हैं तो जो चौथी मोहतरमा इनकी लाइफ में आई हैं वो टिकी रहना. बंदा है मजेदार. ठीक है मैं समझाऊंगा, काम पे भी जाया करेंगे. पर बड़ा मजा है कुरैशी साहब आपसे बातें करके. थैंक यू लव यू शुक्रिया. बैठिए प्लीज. और भी हमारे कोई दोस्त हैं अपने. जी भाई साहब. सर प्यार के लिए मैं भी बहुत कुछ छोड़ना चाहता था लेकिन प्यार करने का मौका ही नहीं मिला हमें. मैंने कहा कि क्या क्या छोड़ सकते हैं आप. आपने कहा कि मैं छोड़ना चाहता था. भाई तेरे को भी मेरी चुम्मियां ले ले आके. मैं क्या बोलूं. मौका नहीं मिला उनको कह रहे. पहला आदमी देखा छोड़ना चाहता हूँ मौका नहीं मिल रहा. तो मतलब क्या कैसा मौका चाहते हैं आप. कहाँ से आए पहले तो ये बताएं आप. सर मैं यूपी से हूँ, गोंडा जिला से. क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए. मेरे फैमिली ने मेरी अरेंज मैरिज फिक्स कर दिया है. कभी है कभी 8 मार्च को. ना अच्छा. ही तो मैं लड़की को भी देखा हूँ, ना ही तो मिला हूँ और अच्छा. ना ही तो उसको मैं जानता हूँ. अच्छा. और मैं जिस लड़की से प्यार करता था उससे मैं शादी करना चाहता था. तो अच्छा. मैं फैमिली को बहुत बोला लेकिन फैमिली मेरी नहीं मान रही है. तुम्हें पता नहीं एपिसोड टीवी आएगा 8 मार्च से पहले. तो ये जो अरेंज हुई ये भी टूट सकती है देख लो. नहीं नहीं. हाँ जी. ये कह रहा मैं उससे प्यार करता था. हाँ जी. लेकिन जिससे तू प्यार करता है वो मानती है क्या. वो मानती है, शादी करना चाहती मेरे से. अरे वाह फिर तो बन गई बात. फिर क्या प्रॉब्लम. आपकी फैमिली आई आपके साथ. नहीं सर मैं अकेला रहता हूँ मुंबई मेरे जीजा जी के साथ दिलीप वर्मा. तो उनसे बात की आपने. हाँ जीजा जी तैयार है लेकिन मेरे पापा ने तैयार है ना. अब इतने मौके तो मिल रहे हैं. एक तरफ अरेंज हुई पड़ी है, काम सेट है 8 मार्च को. दूसरा आपने भी ढूंढ रखा है. अभी मन में क्या. टीवी पे बोल दो ना. अभी वो जो सुन रही होंगी जिनसे अरेंज मैरिज हुई है अगर तो उनको आप फिर भी ठीक लगे उनके ऊपर है. तो जो आपको प्यार करती है जो है तो मेरे को नहीं पता. जो बोलना बोलो आप. सर मैं जिससे प्यार करता हूँ उससे ही शादी करूंगा. तो फिर उनको क्यों 8 मार्च की डेट दे दी. सर उसे पापा दिया, मैंने नहीं दिया सर. ना तो मेरे से बात हुई अभी तक. कैसा बंदा पहले बता. मौका नहीं मिला, दो दो मौके ताड़ के बैठा हुआ. पर चलो जो भी आपको अच्छा लगता है वो करो. हम बाहर हैं इस केस से. हमारा नाम नहीं लेना. अभी फैमिली में साथ कोई नहीं आया. दीदी जीजा भी नहीं आए. जीजा जी है मेरे. कहाँ है. उधर. जीजा जी. जीजा जी कराओ यार कुछ. कुछ करो यार. क्या कर रहे हो. सर उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए. किससे करना चाहिए शादी. अच्छा कंफ्यूज्ड. हाँ कंफ्यूज है वो. बहुत सारी देख के रखी है उन्होंने. एक नहीं है साहब, कम से कम 8-10 होंगी. और इसमें कौन सी होगी वो मुझे पता नहीं. वाह मेरे गोंडा के ऋतिक रोशन. 10 लोग मेरे से प्यार करते हैं, मैं सिर्फ एक से करता हूँ. किस किस को प्यार करूं इनको यही नहीं समझ में आता. ये तो पर यार तुम्हारा ना केस बड़ा मजेदार है. एक काम करो, अभी कुंभ चल रहा है, जाओ और गुम हो जाओ. और...
और उसके बाद एक दूसरे को मिलो मत. तो फिर तुम जो करना चाहते हो वो करो, जो तुम्हारे पापा करना चाहते वो करो. ओ यार शुक्रिया अनु, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको. हाय हाय नीति जी, आपका गाने का मैं बहुत बड़ी फैन है. थैंक यू. आपका वो वाला गाना मेरे को बहुत पसंद है, वो बहने दे मुझे बहने दे. अबे इनका गाना नहीं है वो. अच्छा किसी और ने गाया, बहने इधर देकर चला गया. आए, आए. अच्छा मैं एक आप बहुत नाराज है आप लोग से. क्यों? आप लोग इतना फिल्म इंडस्ट्री में काम करते, फिल्मों में, आपका जब होम प्रोडक्शन आया तो उसमें काम क्यों नहीं किया? इनकी कौन सी होम प्रोडक्शन थी? मोहनजोदारो. हे भगवान. मैं मोहनजोदारो की पूरी खुदाई देखी, मोहन सिस्टर को किधर भी नहीं देखी मैं. कप्पू मैं तेरे को अंदर की बात बताऊं क्या? अच्छा बता. ये चार सिस्टर ने पांच सिस्टर है. पांच भी कौन है? मैं. कैसे आप कैसे हमारे सिस्टर हो? सपना मोहन. ये कैसे बिन बुलाए बहन बन गए आप? मेरे क्या कुंभ के मेले में मैं गई ली थी. अच्छा. उधर से पानी में मैं डूब गई तो भय के सीधा नाला से ऊपर पहुंच गई. तू कुंभ कब गई थी? मैं हर साल कुंभ में जाती है कप्पू. झूठ बोलती है तुम तो. 12 साल बाद लगता है. हाँ तो मैं चल के जाती ना, 6 साल जाने को लगता है, 6 साल आने को लगता है. आए, आए। ऐसा रहता है मेरा. उधर तो मैं आधा घंटे ही रहती है. हाँ दीदी मेरे को जाना पड़ता है ना, मेरा कुंभ राशि है ना. तू तो कह रही थी मकर राशि मेरी. पता है कप्पू मकर राशि में बहुत प्रॉब्लम रहते रे. क्या? मैं रोज पेपर में पढ़ती है ना कि तेरा जमेगा नहीं दोस्तों से, पीपल का पेड़ के नीचे दिया जलाओ, बिल्ली को खीर खिलाओ, चूहे को रोटी खिलाओ. मेरे को परवड़ता नहीं तो मैं चेंज कर दी राशि. तू पागल है सपना? ऐसे राशि कौन चेंज करता है? अच्छा इतना चैनल चेंज करके मांगे राशि क्या चीज है तेरे लिए? तेरे लिए मैंने पूरा कैरेक्टर चेंज कर दिया, राशि क्या चीज है बता मेरे को. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.